इंदौर के मनमोहन जोशी सर जिन्हें पॉपुलरली एमजे सर के नाम से जाना जाता है उन्होंने सीआरपीसी 1973 वॉल्यूम वन एक बुक पब्लिश की थी जो कि अमेज़ॉन पर एक महीने तक टॉप सेलर बुक रही है और इसलिए आज हम डायरेक्ट सर से चर्चा करेंगे उनकी इस बुक के बारे में और जानेंगे इस बुक को और बेहतर तरीके से सर आज से नौ महीने पहले आपने एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है सी आर जिसका वॉल्यूम वन आप लेकर आए और वो अमेज़ॉन पर बेस्ट सेलर ला रहा फॉर लाइक मंथ इफ आई एम नॉट तो सर मैं चाहती हूँ उस बुक के बारे में ऑडियंस को थोड़ा बताएं सी आर पी सी एक लॉ है जो क्रिमिनल प्रोसीजर को रेगुलेट करता है हमारी इंडियन पिनल कोड जो है वो 1860 में आई थी और नई सी 1973 में आई है जो क्रिमिनल लॉ यानी अपराध और क्राइम को रेगुलेट करने के लिए एक एक, एक हैफ्टी लॉ है जिसमें 37 चैप्टर्स और फोर थर्टी सेक्शंस हैं तो इतना बड़ा कानून है जिसको बहुत कम शब्दों में पिरोना था और ये हम स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए थे जो जुडिशरी एस्पिरेंट हैं मतलब जो न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं और पहला वॉल्यूम इसका हिंदी में ही आया था और ये बुक जो है ये आपके सामने ही मैं दिखा भी दूँ आपको अच्छी बात यह कि बुक पब्लिश हुई इंटीग्रिटी पब्लिकेशन इंटीग्रिटी एजुकेशन नाम से एक पब्लिकेशन है लंदन की जिसने इस बुक को पब्लिश किया है और इनका हेड ऑफिस दिल्ली में है और अच्छी बात यह है कि बुक तो पब्लिश हुई पब्लिश होने के बाद ये किताब एक महीने तक नंबर वन बेस्ट सेलर रही अमेज़ोन पे और ये ऑल इंडिया बेस्ट सेलर ना होकर के वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर रही जो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट की बात है लॉ की किताब का बेस्ट सेलर होना और अच्छी बात है क्योंकि लोग फिक्शन नॉवल ये सब पढ़ना चाहते हैं और प्रियंका चोपड़ा की उस समय बुक लॉन्च हुई थी वो नंबर दस पे चल रही थी मतलब मेरे से नौ नंबर नीचे थी तो ये अपने आप में अचीवमेंट है इट इज ग्रेट एक्चुअली यस सर मैं जानना चाहूँगी कि ये बुक सबसे ज्यादा यूजफुल किन लोगों के लिए एक्चुअली ये किताब जैसे मैंने बताया कि जुडिशरी एक्सपीरियंस के लिए है मीन्स जो सिविल जज ए डी पी ओ ए पी ओ इवन अगर वो यू पी एस सी की तैयारी कर रहे हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉ रखा हुआ है तो उनके भी काम का है साथ ही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन के काम का है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो लोग हैं उन सभी के काम के लिए किताब है सर आप बहुत ही कम पन्नों में कई सारे टॉपिक्स को लेकर आए हैं तो आखिर क्या खास फीचर्स हैं आपके इस बुक के हाँ ये जो बुक है इसमें हमने काम ये कर रखा है कि जैसे एक सेक्शन होता है लॉ में धाराएं जिसे हम कहते हैं तो उसको समझाने के लिए बहुत कम शब्दों में टिप्पणी दी गई है कि इस धारा में कौन कौन सी काम की बात है उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड कोई केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं क्या तो वो भी हमने कम शब्दों में दे रखा है और उसके साथ ही उस एक सेक्शन से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में हमने वो भी दे रखा है तो ये किताब दिखने में तो छोटी है लेकिन अपने आप में आपके सारे पर्पस को फुलफिल करती है तीसरा सर आ, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि इसके कितने वॉल्यूम्स होने वाले हैं और हम उसे कब तक मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली uh, कोविड uh, और बाकी सब चीजों के कारण जो है थोड़ा सा डिले हो गया है अदरवाइज प्लानिंग तो ये है कि लॉस से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनकी बुक्स हम लॉन्च कर दें और मार्केट में आ जाए uh, फिलहाल तो वॉल्यूम वन आया है वॉल्यूम टू में जो क्रिमिनल मेजर एक्ट है एक्चुअली उसमें तीन लॉज होते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तो वॉल्यूम वन में हमने सीआरपीसी निकाला है वॉल्यूम टू में एविडेंस एक्ट और वॉल्यूम थ्री में आई इस इंडियन पीनल कोड हम लॉन्च करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि 2022 में शुरुआती महीनों में ही ये किताबें लॉन्च हो सकें। सर कांग्रेचुलेशंस आपकी बुक बेस्ट सेलर रही उसके लिए एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम नेक्स्ट वॉल्यूम्स के uh, जब मार्केट में आ जाने पर आपका फिर से इंटरव्यू कर सके थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच